हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर गुरुवार के शुभ योग में बन रहे एक खास उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक पूर्णिमा दो दिन 18 नवंबर गुरुवार और 19 नवंबर शुक्रवार को रहेगी। 18 नवंबर गुरुवार को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और 19 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती और आंशिक चंद्र ग्रहण भी है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा गुरुवार के शुभ योग में होगी। कहते हैं कि अगर गुरुवार पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को अवश्य लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं गुरुवार पूर्णिमा पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। आइए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। 2021 में 18 नवंबर को पूर्णिमा व्रत तिथि और 19 नवंबर को स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर दोपहर 12 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर दोपहर 2:26 पर। चंद्रोदय का समय होगा 18 नवंबर को शाम 5:07 पर। चंद्र ग्रहण का समय होगा 19 नवंबर को सुबह 11:30 से शाम 5:33। आइए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या जलाशय में स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप स्नान के लिए नदी पर नहीं जा सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन घर पर ही प्रातः काल जल्दी उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ दें, फिर भगवान मधुसूदन की पूजा करें। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है, इसलिए शाम के समय घर के सभी कोनों में दीप दान कर भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को मीठे जल का अर्घ देकर धूप दीप अर्पित करें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी चंद्रमा की पूजा करें। पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, इसलिए आज माता महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा से कई जन्मों तक इसका फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, इसलिए पूर्णिमा की रात पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा के सामने किए गए पूजन व उपाय से शुभ फल जल्दी मिलते हैं। गुरुवारी पूर्णिमा इस अद्भुत महासंयोग की रात एक छोटा सा उपाय आप भी जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय के बाद एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, मिश्री, अगर मिश्री नहीं है तो थोड़ी सी चीनी और कुछ दाने चावल मिलाकर चंद्रदेव को इस जल का अर्घ अर्पित करें। अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ये छोटा सा उपाय आपको जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करेगा। जय श्री हरि।